कितनी फिल्में आईएमडीबी लिस्ट में शामिल हैं? किसने कहा कि आरआरआर खा जाएगी मेरी फिल्म का बिजनेस? सैल्यूट किस स्टार की फिल्म है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो साउथ की फिल्मों का इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर काफी जोर है। पिछले हफ्ते ही बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की राधे श्याम रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप भी थी, लेकिन फिल्म हिंदी फैंस के लिए उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े भी नजर आई थी, लेकिन आने वाली बड़े बजट की फिल्मों पर नजर डालें तो साउथ की फिल्मों का स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। इनमें रामचरण जूनियर एनटीआर से लेकर यश और दुलकर सलमान जैसे सितारे चमकने वाले हैं। आईएमडीबी की मार्च 2022 की बहुप्रतीक्षित टॉप 5 फिल्मों में साउथ के एक्टर्स और डायरेक्टर्स की 4 फिल्में हैं और एक फिल्म अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी है। इस तरह यहाँ एक बार फिर साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को क्लीन बोल्ड कर दिया है। बता दें, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर एसएस राजमौली के डायरेक्शन में बनी आरआरआर है, जिसमें रामचरण जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन शामिल हैं। फिल्म को 25 मार्च को रिलीज किया जा रहा है। फिल्म के गानों, पोस्टर और कहानी ने लोगों में बराबर हाइप बना रखी है। ये कोमाराम भीम और सीताराम राजू की लाइफ पर बनी फिक्शनल स्टोरी होने वाली है। इसमें राजमौली ने इतिहास के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है। जिस वक्त की कोई भी जानकारी नहीं है, उस समय पर इन्होंने फिल्म ही बना डाली है। दूसरे नंबर पर बच्चन पांडे है। अक्षय कुमार और कृति सानन की फिल्म 18 मार्च को होली के अवसर पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। बच्चन पांडे और आरआरआर एक हफ्ते के अंतराल में रिलीज हो रही है, जिसके चलते जब अक्षय से पूछा गया कि क्या बच्चन पांडे का बिजनेस आरआरआर खा सकती है, तब अक्षय ने कहा, हाँ 30-40% तक, क्योंकि ये सब जानते हैं कि राजमौली की फिल्मों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर केजीएफ चैप्टर 2 है। प्रशांत नील की फिल्म के पहले पार्ट को खूब पसंद किया गया था। यश और संजय दत्त की ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। चौथे नंबर पर सैल्यूट है, जो दुलकर सलमान की फिल्म है। सैल्यूट ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 18 मार्च को मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होगी। वहीं आखिरी 5वें नंबर पर डेंजरस है। इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा की डेंजरस भी बहुप्रतीक्षित फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। तो इन 5 में से आपको किस मूवी का बेहद इंतजार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें एंड बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।